ग्रेट गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज कंचन गुप्ता साइनिंग. हेलो, आई होप आप सब अच्छे होंगे. सो आज से हम लोग जेके सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. टुडे इज 14 अगस्त और छुट्टी नहीं है. क्लास लेंगे, ये रिकॉर्डेड क्लास है क्योंकि आई हैव अ पीस ऑफ वर्क फॉर अ 2 डेज. तो 14 एंड 15 देयर विल बी अ रिकॉर्डेड क्लासेस. तो अगर आप लाइव बैठे हैं तो प्लीज इस क्वेश्चंस के आंसर्स जरूर दीजिएगा ताकि आपको पता चले आप कितने जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितने आंसर्स आपके गलत हैं. ठीक है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि चाहे क्लासेस रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देखते रहिए, क्लास अटेंड कीजिए. राइट, क्योंकि जेके सेट आने वाला है एंड दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली हमारा एनटीए नेट भी आएगा, तो क्यों हम उसे छोड़ें, है ना. फॉर अ 1 डे प्रैक्टिस चाहिए और 1 आवर की प्रैक्टिस चाहिए, हम जरूर करेंगे. ठीक है, तो अपना ये टारगेट बना के चलिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट दैट एम. हमें जरूर मिलेगा चेयर. चलिए, तो आज से जेके सीरीज स्टार्ट हो रही है. दिस इज द क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड. यस, दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2013 का ये पेपर है एंड पेपर 3. एंड दिस इज द जेके, यानी कि जम्मू कश्मीर सेट है ये. यहाँ से जो है जम्मू कश्मीर सेट की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ. सो होपफुली जितने क्वेश्चंस नेट पे अवेलेबल है मैं सारे पेपर्स कराने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे ये भी नेट से ही अवेलेबल हुआ है. इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन पेपर ऑफ अनदर ईयर तो आप मुझे क्रैक एडोनेट पे, यानी कि क्रैक एडोनेट, राइट, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं. इफ़ यू हैव अनदर ईयर, मतलब अगर आपके पास आई हैव जो मैं मुझे मेरे पास है 2013 है, 2016 है, मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास ये दोनों, मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास ये है एंड 2018 भी है. आई हैव अ 2018 ऑल्सो. सो इसके अलावा अगर आपके पास कोई सेट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ऑन दिस टेलीग्राम लिंक. क्लियर, तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फोकसिंग ऑन व्हाट इज अ पार्ट ऑफ. देखिए क्वेश्चन पुट करता है कि जब आपको पता है मेटाफिजिक्स जो है वो किससे डील करता है, रियलिटी से, है ना. तो रियलिटी से एथिक्स, पॉलिटिकल फिलॉसफी, एस्थेटिक्स वैल्यू करता है, वैल्यूज से एथिक्स पे, डिडक्टिव रीजनिंग एंड लॉजिक्स लगाना. तो जब हम व्हाट इज का क्वेश्चन पुट करते हैं तो नन अदर देन इसका आंसर आप लगा लेना मेटाफिजिक्स आता है. इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, दिस द आंसर इज द मेटाफिजिक्स. ठीक है, जैसे अगर हम कहें व्हाट इज द रीजन जो है, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ, ये सब मेटाफिजिक्स में आते हैं. ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे. द फोर नोबल ट्रूथ आर वाइटल कॉम्पोनेंट्स है. फोर नोबल ट्रूथ की बात हुई है तो ये किस कहाँ का, मतलब किसने ये 4 सच दिए थे. द आंसर लगा लीजिएगा, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो अपने आंसर्स को लॉक कर लेना, वीडियो को पॉज करके तो इसका आंसर लगा लीजिए बुद्धिज्म. ठीक है, इसका आंसर है बुद्धिज्म. थर्ड पे आ जाओ. व्हाट ऑल एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैव इन कॉमन अकॉर्डिंग टू सात्रे. सात्रे हैं जो कि एग्जिस्टेंशियलिज्म के मतलब एग्जिस्टेंशियलिज्म को फोकस करते हैं. उनका कहना क्या था, उनके व्यूज के अकॉर्डिंग कि गॉड जो है डज नॉट एग्जिस्ट, भगवान नहीं है. सो एवरीथिंग इज परमिटेड है, ऑल ह्यूमंस शेयर अ कॉमन नेचर, सबका एक कॉमन नेचर होता है. एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स करता है एसेंस के लिए एंड एसेंस प्रिसीड करता है एग्जिस्टेंस के लिए. तो उसका करेक्ट आंसर है एग्जिस्टेंस. अस्तित्व जो है ये हिंदी में सार बोला गया ना, अस्तित्व सार के बाद आता है, ऐसा कुछ है यहाँ पे. तो एग्जिस्टेंस, देखिए कोई भी जैसे मनुष्य की जब हमें ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पता चला था तो सबसे पहले उसका विचार आया था, है ना, कि ह्यूमन बीइंग्स एक्चुअली प्रेजेंट है या नहीं है. तो एग्जिस्टेंस प्रिसीड करता है उसकी एजेंस के साथ में. ठीक है, तो ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू था ये भी याद रखिएगा, ये पॉइंट ऑफ व्यू था सात्रे का. क्लियर, आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे. फोर्थ क्वेश्चन कहता है यस,
सिचुएशन बेस्ड फॉर द इक्विटी, आपको इक्विटी से रिलेटेड क्वेश्चंस का करना है कि ऑल जो स्कूल्स हैं या क्लासरूम्स हैं हैव द सेम टेक्स्ट बुक हो, टेक्नोलॉजी हो, करिकुलम हो. बी ऑप्शन, अ स्कूल इन विच रेसेस, जेंडर्स एंड स्पेशल नीड्स जो चिल्ड्रन की होती है आर सेपरेटेड इन द क्लासरूम. अ वर्ल्ड वेयर एवरी चाइल्ड हैज़ अ लैपटॉप, उन्होंने उस इक्विटी का मतलब बता रहे हैं. एंड द डी, द स्कूल विच इंक्लूड्स ऑल चिल्ड्रन नो मैटर वॉट रेसेस वॉट नीड्स but they adapt to them and tries to understand each child's their needs. So yes, the correct answer is D. The correct answer is D. Fifth question mein aaiye, conquer the gen term for the perfected person who will not be reborn. According to the gen philosophy, जो परफेक्ट पर्सन है हु विल नॉट रीबॉर्न है ना, तो उसका उन्होंने कौन सी टर्म दी है उसको, उन्होंने टर्म दी है जेन. ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर सिक्स पे. इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, जब हम बात करते हैं कि हमें इक्वालिटी चाहिए, वी नीड अ इक्वालिटी इन द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, तो वी आर सेइंग अबाउट द एक्सटेंडिंग द पोर्टल्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, या वी आर टॉकिंग अबाउट द ओपनिंग मोर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस खोले जाएँ, या प्राइवेटाइजिंग की जाए एजुकेशन सिस्टम की इस तरीके से, या पब्लिक फंडिंग की जाए. तो सर करेक्ट आंसर लगा लेना सिक्स का ए, कि we need to extend the education institution to all without any discrimination. Discrimination की बात होती है तो simple है, ये तो आप कर सकते हैं बड़ी आराम से. सेवेंथ पे आ जाओ, फोर लिस्टेड interpretations of social change है, which holds that change is equal to the progress, कि progress के साथ changes आते हैं, है ना. ये कौनस किसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कंजर्वेटिव सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मॉडर्निज्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पोस्ट मॉडर्निज्म का है, या ये फैशन है आजकल का. तो इन्होंने कहा जैसे ही प्रोग्रेस आती है, लोग तरक्की करते हैं, वैसे ही उनमें चेंज आता है, तो ये मॉडर्निज्म है. ठीक है, यस. एट पे आ जाओ, द डिवीजन, जो डिवीजन हुआ है लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल का इनटू द लेयर्स में अकॉर्डिंग टू देयर, किसके अकॉर्डिंगली, पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज के अकॉर्डिंगली उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो ये किस चीज के कारण हुआ है, ये सोशल स्ट्राटिफिकेशन के कारण हुआ है, सोशल मोबिलिटी के, सोशल स्टैग्नेशन के, या सोशल बैलेंस के लिए. इसका आंसर आप लगा लेना, दिस इज द सोशल बैलेंस, कि जो डिवीजन हुआ है लार्ज नंबर ऑफ पीपल का इनटू लेयर्स में, यस, जस्ट गिव मी अ मिनट. तो इसका आंसर आप गलत, ये इसका आंसर आएगा ए, सोशल स्टार्टिफिकेशन. क्योंकि सोशल स्टार्टिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, कि सोसाइटी का कैटेगराइजेशन करना, रैंकिंग बेस्ड ऑन किस फैक्टर पे. स्टार्टिफिकेशन का मतलब होता है रैंकिंग करना, रैंकिंग करना इनकम के बेसिस पे, पावर के बेसिस पे, बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड के बेसिस पे. तो ये सब स्टार्टिफिकेशन में आता है, बैलेंस में नहीं आता, ये स्टार्टिफिकेशन आएगा. ठीक है, नाइन्थ पे आ जाओ, कास्ट इन एजुकेशन में यूज टू बी एन इशू ऑफ इक्वालिटी, कि जब भी एजुकेशन देने की बात आती है तो आप कहेंगे ना, कौन सी कास्ट से हो, लोअर कास्ट से हो या अपर क्लास से हो, तो हमेशा जो क्लासेस जो हैं वो बीच में आ जाती है, आती है, इसीलिए आपसे यहाँ पे यस. सो बट नाउ जो इक्विटी इशू है, क्योंकि दे लर्न डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि लोग डिफरेंट थिंग्स लर्न करने लगे हैं. द टीचर्स डू नॉट लाइक अदर्स कास्ट, क्योंकि टीचर को दूसरी कास्ट पसंद नहीं आती है. या दे आर स्मार्टर, वो बहुत स्मार्ट होते हैं, इसलिए जो है उनको पिछड़ा, मतलब उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है. या अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज एट होम आर स्लिमर, कि जैसे जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं
जो सोर्सेज लोगों को मिलते हैं वो घरों तक जाते जाते स्लिम हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं। यस, इक्विटी यही है ना, इक्विटी का इशू यही तो है। मिलता तो सब कुछ है लेकिन घर तक पहुंचते हुए देरी हो जाती है। 10th पे आ जाओ। द लीडर ऑफ द मूवमेंट टुवर्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस हु एडवोकेटेड द नॉन वायलेंट मेथड टू इफेक्ट द सोशल चेंज। ये एक लीडर मूवमेंट चलाया गया था जहाँ पर नॉन वायलेंस जो है उसको महत्व दिया गया था सोशल चेंज लाने के लिए। तो ये तो सब बच्चे जानते हैं, ये कौन थे हमारे प्यारे बापूजी, दैट इज द गांधी जी। तो आप ये लगा लीजिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे, कि जो क्वालिटेटिव स्टडीज होती हैं इज लीस्ट लाइकली, मतलब कि हम जो क्वालिटेटिव स्टडीज करते हैं उसमें सबसे कम क्या होता है, इन डेप्थ स्टडी होती है, बी कंडक्टेड इन लार्ज से, हम इसे लार्ज सैंपल में कंडक्ट करके देखते हैं, या अडॉप्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल मेथड्स को, या हम उसमें ए कोई ऑब्जर्वेशन टेक्निक लगाते हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें से लीस्ट इम्पॉर्टेंट या लीस्ट जो फैक्टर है वो कौन सा होगा लार्ज सैंपल के ऊपर? देखिए, क्योंकि क्वालिटेटिव जो है वो बेसिकली सब्जेक्टिव होती है ना, तो ये काफ़ी लार्ज सैंपल पे कंडक्ट करनी मुश्किल हो जाती है, तो ये लीस्ट लाइकली होगा। आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज्ड वाला आपको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बताना है कि सबसे प्रिसाइज कौन सा होता है। तो प्री पोस्ट या ये होता है प्री प्री पोस्ट पोस्ट टेस्ट टू इक्विवेलेंट में बांटना सोलोमॉन, एंड दिस इज द पोस्ट टेस्ट टू ग्रुप डिजाइन। तो आपको क्या लगता है विच वन इज तो करेक्ट आंसर? आप लगाएंगे सोलोमन। ठीक है, सोलोमन का जो फोर ग्रुप डिजाइन है, बिकॉज जो रिसर्चर है वो क्या करता है, यूज करता है फोर ग्रुप्स, उसमें वो फोर ग्रुप्स लेता है एंड टू ग्रुप्स को एज अ ट्रीटेड एज दे वुड बी अ क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स है, जिसमें वो प्री टेस्ट करता है और पोस्ट टेस्ट करता है। फिर जो अनदर ग्रुप होता है वो डोंट रिसीव द प्री टेस्ट थ्रू वन रिसीव द इंटरवेंशन एंड ऑल द ग्रुप्स आर गिवन पोस्ट टेस्ट। तो मतलब ऐसे करके चार ग्रुप्स डिसाइड किए जाते हैं। तो ये एक तरह का मोस्ट प्रिसाइज एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है। आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामेट्रिक टेस्ट, तो इसका आंसर लगा लेना मीडियन। यस, 14 पे आइए, कि जो रैंडम सिलेक्शन किया जाता है सैम्पल का, दैट मीन्स दैट ईच जो सब्जेक्ट है पॉपुलेशन में हैज अ चांस ऑफ, रैंडम का मतलब क्या होता है, इक्वल रिजेक्शन, इक्वल सिलेक्शन, इक्वल सिलेक्शन बट नॉट इक्वल रिजेक्शन, या बोथ। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर 14 में? जब भी हम रैंडमाइजेशन की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आप मार्क कर लेना, बोथ बोथ। जब भी हम किसी सैंपल में रैंडमली लेते हैं तो उसके इक्वल चांस होते हैं ना, उसकी वो सेलेक्ट हो जाएगा, और इक्वल चांस होते हैं वो रिजेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, 15 पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एस्टैब्लिशिंग द वैलिडिटी, जब हमें वैलिडिटी एस्टैब्लिश करनी होती है, मतलब बेसिकली आपसे यहाँ पे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी पूछा गया है, तो इसमें से नॉट बताना है, तो वो है स्प्लिट हाफ, है ना। स्प्लिट हाफ जो है इसकी वैलिडिटी वो रिलायबिलिटी से रिलेटेड है। एंड अनदर मेथड आपसे रिलायबिलिटी पूछा है, तो आप ये पैरेलल स्प्लिट और ये तो है, ये प्रिडिक्टिव जो है वो वैलिडिटी का पार्ट होता है, मतलब टाइप ऑफ वैलिडिटी है, तो आप प्रिडिक्टिव को यहाँ पे मार्क कर। ठीक है, 17 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वासी एक्सपेरिमेंटल, क्वासी जो होता है इसमें रेंडमनाइजेशन नहीं होता है, तो ये इसका बेसिक जो है इम्पोर्टेंस है, तो वो याद रखना। इसमें आपको बताना है कि कौन सा है जो केस स्टडी हम करते हैं, या पोस्ट टेस्ट सिंगल ग्रुप लेते हैं, या प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट दो बराबरी के एक जो है ग्रुप लेते हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि विच वन इज द क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जिसमें हम रेंडमाइजेशन का यूज नहीं करते हैं, तो वो है टाइम सीरीज। ठीक है, इसको मार्क कर लेना, दिस इज द टाइम सीरीज इज द आंसर, टाइम सीरीज वो है जिसमें। ओके, सो आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन पे। इन एन एक्सप्लेन एक्सप्लोरेटरी स्टडी, जब हम एक्सप्लोरेटरी स्टडी करते हैं उस टाइम पे जो एरर है शुड बी गिवन प्राइम इम्पोर्टेंट, मतलब एरर नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको टाइप वन एरर बोलते हैं, टाइप टू एरर बोलते हैं,
या दोनों ही या नन ऑफ टू. इन द एक्सप्लोरेटरी स्टडी विच ऑफ द एरर शुड बी गिवन प्राइम इम्पोर्टेंस. ओके, ये तो हर कहीं है, नॉट इन एक्सप्लोरेटरी. वाइल वी आर कंडक्टिंग द एक्सप्लोरेटरी, ऑब्वियसली हम एक्सेप्टेबल जो नल हाइपोथेसिस है उसको अगर हम रिजेक्ट कर देंगे, तो सबसे बड़ी जो हमारी थ्योरी है या जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं उसका इंटरप्रिटेशन भी गलत आएगा और जर्नलाइजेशन भी गलत आएगा अगर हम एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं. तो वो टाइप वन एरर हो जाती है, जिससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जिससे हमारी जो स्टडी है वो अफेक्ट करती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 19 पे. इन अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो किस चीज़ का होता है? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, डिपेंडेंट का, इंटरवेनिंग का, या क्राइटेरिया वेरिएबल का. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मार्क कर लेना. तो रिप्रेजेंट होता है इंडिपेंडेंट का. ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एक्सपेरिमेंटल स्टडी. ये क्वेश्चन जो है काफी बारी रिपीट होता है. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो काफी बारी रिपीट होता है. इसी फॉर्म में सेम सेम क्वेश्चन जो है नॉट बताना है कि इट इन्वॉल्व्स वन और मोर इंडिपेंडेंट. क्या इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं? हाँ होते हैं. इट हैज़ अ डिपेंडेंट, इसके पास डिपेंडेंट भी होता है, मैनिपुलेशन भी होता है. किसका होता है? इंडिपेंडेंट का. तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हो गई है. लेकिन जो इफेक्ट होता है इज़ ऑब्जर्व्ड इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट, ये वाला पॉइंट जो है एक्सपेरिमेंटल में गलत है. कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर एक्सपेरिमेंट होगा तो दैट विल ओनली कंडक्टेड इन द नेचुरल एनवायरनमेंट. ठीक है, आ जाओ 21 पे. कि इन विच ईयर में जो RTE है कम इन टू फोर्स इन इंडिया, भारत में कब आई थी? उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है 2010 में. स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है. ठीक है, ओके. सो क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ. कि जो RTE है वही RTE के ऊपर ही आया है. ये कवर कौन से एज ग्रुप को करता है? जो राइट टू एजुकेशन बच्चों के लिए आया था वो कौन से एज ग्रुप को कवर करता है? तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, सी. क्वेश्चन नंबर 23, टू ब्रिंग ऑल एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल्स, अगर हम जो भी एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल्स हैं कंट्री में, टू अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज जिनमें है. द स्कीम लॉन्च्ड, उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी 87 टू 88 में. उस स्कीम का आपको नाम बताना है जिनमें फिजिकल फैसिलिटीज कम थी, डेस्क, ब्लैक बोर्ड्स या अलमीरा, मतलब ये फिजिकल जो फैसिलिटीज हैं वो जो प्राइमरी में. दीज आर द की वर्ड्स जो मैंने सर्कल किए हुए हैं, दीज आर द की वर्ड्स. तो इसका आंसर लगाना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड. ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड. एक तरह की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जो 87 में आई थी, जो कि आफ्टर द राजीव गांधी जो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के बाद आई थी, जहां पर जिन भी स्कूल्स में बहुत ही मिनिमम क्रूशियल फैसिलिटीज हैं प्राइमरी स्कूल्स में, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी. ठीक है, सिंपल था. आज 24 पे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी या UEE जो है डज नॉट इन्वॉल्व, उसके अंदर क्या इन्वॉल्व नहीं है? प्रोविजन, एनरोलमेंट, रिटेंशन या लैंग्वेज? Yes, उसके अंदर ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं है. 25 में आर्टिकल 21A जो है वो क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, या नन ऑफ दीज? उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, दिस इज द राइट. आपका ये फंडामेंटल राइट है एजुकेशन प्राप्त करना. आज और 26 पे 45 जो है आर्टिकल अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसके बारे में? आर्टिकल 45 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसके अंदर? कि हमें राइट ऑफ माइनॉरिटी की बात हुई है, फ्री कंपल्सरी प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात हुई है, या एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन की, या गिविंग देम द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द लेस एडवांस्ड स्टेट, जो भी लेस एडवांस स्टेट्स है उनको फाइनेंशियली असिस्ट करना. तो इसका करेक्ट आंसर जो है आर्टिकल 45 कहता है फ्री एंड कंपल्सरी प्री प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन देना. ठीक है, 27 पे आइए. न्यूपा की फुल फॉर्म बतानी है, NUEPA. तो इसकी फुल फॉर्म आप लगा लीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल की प्लानिंग एंड उसका एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 28 पे. कि एडल्ट एजुकेशन मेन ऑब्जेक्टिव इज टू,
जो हम एडल्ट एजुकेशन की बात करते हैं वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि क्या हम उनको सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाना चाहते हैं या टीच एडल्ट्स टू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे रीड, कि हमें बच्चों को ये समझाना है, ये सिखाना है, ये अंडरस्टैंड कराना है कि व्हाट दे रीड, इन्होंने क्या रीड किया है. हेल्प एडल्ट्स विद द लिटरेसी अलॉन्ग विद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि उनको हमें लिटरेसी सिखानी है प्लस उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, या हमें सोशलाइज द एडल्ट टू मूव अबाउट फ्रीली, ताकि वो जो है मूव कर सके. देखिए मेन ऑब्जेक्टिव पूछा है तो हम ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये काफी नैरो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो है एनेबल देम. अगर हम एडल्ट एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें ये सी ऑप्शन आना चाहिए कि इट हेल्प्स द एडल्ट्स विद लिटरेसी, के साथ साथ हम बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी चाहते हैं बिकॉज दे आर उनकी वो एज है जिस टाइम पे उन्हें अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहिए, है ना. ओके क्वेश्चन नंबर आ जाओ 29 पे, कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल है, इंडियन स्टेट्स आर गिवन गिवन राइट टू प्रमोट द एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ एससी एनएसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, के बारे में उन्होंने प्रमोट करना है एजुकेशनल इंटरेस्ट की, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसके इस इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाएगा, दैट मीन्स उसको एजुकेशन दी जाएगी किसको, एससी एसटी एंड बैकवर्ड क्लासेस को, तो वो है आर्टिकल 46. ठीक है, ओके वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. 30 में आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूटेड कॉनोटेशन फॉर सूटेड नॉट, मतलब इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की जब हम बात कर रहे हैं. देखिए दीज क्वेश्चंस आर कमिंग वेरी मेनी 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 टाइम्स, बहुत बार जो है क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं. सो कॉनोटेशन मीनिंग होता है जैसे कि जैसे इसका मतलब होता है, इसका इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है और इसमें क्या आइडिया एक्सप्रेस हो रहा है, वो हो गया कॉनोटेशन मीनिंग. सो अगर इसमें हम बात करते हैं कि क्या ये पॉलिसी ऑफ ओपन एक्सेस की बात कर रहा है, इक्विटेबल जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, या इक्वलाइजेशन करना कि एजुकेशनल अटेनमेंट हो बाय प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज इन फेवर ऑफ लेस और लेस मोटिवेटेड ग्रुप्स में एंड इन्वेस्टिंग द मोर फंड्स ऑन एजुकेशन, और हमें एजुकेशन के ऊपर मोर फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसमें आपको बताना है नॉट, तो हम फंड्स से रिलेटेड तो नॉट ही आएगा यहाँ पे. ठीक है, बाकी कुड बी देयर कॉनोटेशन मीनिंग, कुड बी, है ना. कॉनोटेशन मतलब होता है दैट दोज वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स दीज लाइंस. ठीक है, आ जाइए. ओके गुड करिकुलम का मतलब बताइए, अ गुड करिकुलम. ओके गुड करिकुलम की बात हो रही है कि एक सही और एक अच्छा करिकुलम क्या डिनोट करता है ना, कि कॉन्टिन्यूसली प्लान्ड एंड कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट होता रहता है, वो एक अच्छा करिकुलम है. या कॉन्टिन्यूसली प्लान तो होता है बट इवैल्यूएटेड एट द एंड में इवैल्यूएट होता है, एक बार प्लान हो जाने के बाद उसका कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएटेड होता रहता है, या हम कहते हैं वंस प्लान एंड इवैल्यूएटेड, सिर्फ एक बार ही होता है, ये तो है ही नहीं वंस प्लान नहीं, तो ये फर्स्ट वाला लगाइएगा कि जिसको कॉन्टिन्यूसली हम प्लान तो करते हैं और कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट भी करते रहते हैं. तो सिंपल था. 32 पे आ जाओ, कि वाइल डिटरमाइनिंग द कंटेंट्स ऑफ द करिकुलम, जब भी हम करिकुलम के कंटेंट को डिटरमाइन करते हैं, है ना, तब हम क्या सोचते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, यानी कि उसके डिटरमिनेट्स बताने हैं आपको, कि सिग्निफिकेंस होना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड फील्ड ऑफ नॉलेज का, जो भी हम कंटेंट बच्चों को दे रहे हैं वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए, उसकी सिग्निफिकेंस ही होनी चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, है ना, या कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इमर्जिंग सोसाइटी. तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, कि जब भी हम कंटेंट बनाएंगे
करिकुलम प्रिपेयर करेंगे दैट शुड बी सिग्निफिकेंस, दैट शुड बी मीनिंगफुल एंड दैट शुड बी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इमर्जिंग सोसाइटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 33 पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको बताना है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की इम्पॉर्टेंट रोल के बारे में। इट इम्प्रूव करता है टीचिंग एंड लर्निंग को, इट प्रोवाइड द फीडबैक टू द टीचर्स एंड ओवरकम करता है वीकनेसेस ऑफ द कंटेंट की एंड डेवलप करता है रेमेडियल टीचिंग मटेरियल को। तो उसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा कि जब भी हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं, मान लीजिए ये एक तो सबसे पहले इसका जो कीवर्ड आता है दैट इज द कॉन्टिन्यूस, कि मान लीजिए आपने थोड़ा बहुत, चाहे आपने वो 15 मिनट का कोई भी कंटेंट पढ़ाया और उसके ऊपर आपने कुछ भी पूछ लिया कि चलिए मैंने जो भी आपको ये सब समझाया है मुझे इसको शॉर्ट में बताइए, तो ये एक तरह का फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो गया। चलिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया उसको वन वर्ड में आप अपने शब्दों में क्या बताएंगे, तो जस्ट टू चेक कि जो आप पढ़ा रहे हो कितना सक्सेसफुली है, तो जो भी क्वेश्चन आप पूछोगे दैट इज कम्स अंडर दी लर्निंग, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। अगर बच्चों को क्वेश्चन आंसर नहीं पता दैट मीन्स मेरे कंटेंट डिलीवरी में कोई ना कोई कमी रह गई है, जो उसको आंसर नहीं आ रहा है उस चीज़ का। क्लियर, इतना क्लियर हो गया ना, तो उसका फर्स्ट आंसर लगा लो। आ जाओ 34 पे। करिकुलम का इवैल्यूएशन क्या हेल्प करता है, जब भी हम करिकुलम को इवैल्यूएट करते हैं तो करिकुलम का इवैल्यूएशन किस पर डिपेंड करता है। यस, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग द क्वालिटी इन द एजुकेशन पे, डायग्नोस्टिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द करिकुलम, जजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम फॉर द ग्रुप इट इज हैज़ बीन मेड, जिस चीज़ के लिए बनाया गया है। तो ऑब्वियसली करिकुलम को इवैल्यूएशन हम मॉनिटरिंग करने के लिए भी करते हैं, डायग्नोस करने के लिए भी करते हैं और इफेक्टिवनेस का पता लगाने के लिए। तो इसका आंसर आप लगा लेना ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35 पे। जो टेलर है, टाइलर्स जो है, टाइलर्स ने जो करिकुलम का इवैल्यूएट मॉडल दिया था वो एक्जैक्टली किस पर बेस्ड था, वो एक वैल्यू ओरिएंटेड था या वो एक तरह से रिसर्च ओरिएंटेड था, मतलब कि रिसर्च बेस्ड था या मेजरमेंट करना आउटकम ओरिएंटेड, एक आउटकम ओरिएंटेड बेस्ड था या डिसीजन अंडर। दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस कैन बी कम इनटू द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में फॉर द डिसम्बर 2023 में, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है क्योंकि टाइलर का जो मॉडल है वो करता है आपकी आउटकम ओरिएंटेड। उसका सी आंसर लगा। ठीक है, आ जाओ 36 पे। 36 कहता है करिकुलम जो है वेल डिजाइंड एंड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड सो इम्पैक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये किसने कहा था, दिस इज सेड बाय द फुलॉन स्कॉट। क्लियर, करिकुलम क्या इंक्लूड करता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ एक्सपीरियंसेस, किस तरह के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। यस दोनों ही तरह के एक्सपीरियंस होते हैं यहाँ पे। Which of the following is not advantage? आपको बताना है जब हम करिकुलम का फ्रेमवर्क तैयार करते हैं उसका एडवांटेज नहीं है। ये करिकुलम विल बिकम मोर कोहेरेंट एंड ऑर्डरली फॉर्म में हो जाता है, ये तो एडवांटेज है इसका, है ना। प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू इनकॉर्पोरेट द डिजायरेबल स्किल्स। येस हमें जब भी हम फ्रेमवर्क तैयार करते हैं तो ये हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम डिजायरेबल एक्टिविटीज को, स्किल्स को उसके अंदर कॉर्पोरेट कर सके। इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द टीचिंग, फ्रेमवर्क कंट्रोल नहीं करता है, टीचर होती है क्लासरूम में हु डिसाइड्स एवरीथिंग। तो ये गलत है, मतलब ये वाला पॉइंट आपका सी में आएगा। ठीक है, 38 का लगा लीजिए सी। आ जाओ 39 पे, कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं जब हम करिकुलम का इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर या उसकी पॉलिसी, सपोर्ट फ्रॉम द टीचर्स, कितना उसको टीचर सपोर्ट करती है, नीड एंड रेलिवेंस ऑफ द चेंज। तो 39 में आप लगा लेना बी एंड सी, क्योंकि इंडिविजुअली तो दे आर नॉट करेक्ट ना, इंडिविजुअली तो जब एक से ज्यादा पॉइंट है तो हम लोग क्या लेंगे, ए एंड बी। आ जाइए आज का 40 मतलब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है दैट विल बी डन इन दी पार्ट टू। ठीक है, तो पार्ट टू में वो क्वेश्चंस मैं करा दूंगी। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि इनिशियल जो स्टेप है करिकुलम डिजाइन, जब भी हम करिकुलम डिजाइन करेंगे करते हैं उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका गोल, या उसकी कमिटी को ऑर्गेनाइज करना या डिफाइन करना फिलॉसफी, कि किस फिलॉसफी पर बेस्ड है, कि इज्म पे बेस्ड है या बच्चे को प्रैक्टिकलिटी देनी है तो या प्रैग्मेटिज्म है, बच्चे को सेंसेस के थ्रू चीजें करा के दिखानी है, टूरिज्म कराना है, बच्चों को बाहर लेके हमें चीजें दिखानी है, तो किस तरीके का करिकुलम है। तो 40 का करेक्ट लगाना है, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं अपना सबसे पहले कि किस फिलॉसफी पर बेस्ड हमारा सब्जेक्ट होगा, किस फिलॉसफी,
ठीक है। सो आज के 40 क्वेश्चंस जो हैं हमने कवर कर लिए हैं, 40 क्वेश्चंस। इसका सेकंड पार्ट में वी विल डन 41 to 75 क्वेश्चंस तक हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। सो मैं आपको बता देती हूँ मेरी एप्लीकेशन का नाम, दैट इज दी JRF माइलस्टोन। आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए माइलस्टोन एजुकेशन। दिस वेबसाइट इज वेरी दिस साइट इज वेरी जो दिस ऐप इज वेरी गुड, ठीक है। रिस्पॉन्सेज आर वेरी जो है कमिंग वेरी गुड, रिस्पॉन्सेज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आप लोग भी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं इन द डिसम्बर जो है वो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, मैं आपको मिलूंगी ट्यूसडे को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सेशन को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी आपकी जो है एक्सपीरियंस हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड मोस्ट ऑफ दी अबव सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको आराम से मिल जाए। थैंक यू सो मच।